एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को
को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता। और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन
दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है।
उस वैज्ञानिक पर नजर रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई।
फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है
ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की
पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं,
तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है
तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिंग जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिंग जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए।
इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है।
पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में
नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है।
टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान
और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता
और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।
एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर, वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर
को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन
दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है।
उस वैज्ञानिक पर नजर रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर कर वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई।
फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है
ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की
पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिंग जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिंग जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है, तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर सोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं,
तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करो वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़ रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को YouTube के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर को डबलिन भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है
तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है। उस वैज्ञानिक पर नज़र रखने के लिए भारत सरकार अपनी खुफिया एजेंसी रो के एक जासूस, जिसका नाम सलमान खान यानी कि टाइगर, को डबलिंग भेजती है। डबलिन जाकर टाइगर उस वैज्ञानिक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और फिर वो उस पार्ट टाइम केयर टेकर जोया यानी कैटरीना कैफ के जरिए उस वैज्ञानिक तक पहुंचने का फैसला करता है। टाइगर जोया को पटाने की कोशिश कर में धीरे धीरे जोया के करीब आ जाता है और उसे जोया से प्यार हो जाता है। पहले तो वह बहुत कोशिश करता है कि वह अपने प्यार का इजहार न करे। जब रॉ एजेंसी को इस बात का पता चलता है तो टाइगर जोया से प्यार करता है तो वह टाइगर को जोया से अलग करने की कोशिश करते हैं और टाइगर करु वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर जोया को नहीं छोड़ता और फिर शुरू होती है टाइगर की अपने प्यार की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना के बीच की छेड़छाड़, रोमांच और टाइगर के रोंगटे खड़े करने वाले एक्शन दर्शकों के फिल्म को अंत तक बांधे रखते हैं। आप इस मूवी को यूट्यूब के प्रीमियर पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। एक था टाइगर वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखक कबीर खान और निर्माता आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में रणवीर शोरे, गिरीश कनाड, रोशन सेठ, गावी चहल दिखाई दिए। इस फिल्म को आप कैसे देख सकते हैं और इस फिल्म के फैक्ट और रिव्यू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस फिल्म को जब आप देखोगे तो कहानी फिल्म की शुरुआत होती है ट्रिनिटी कॉलेज के एक वैज्ञानिक से, जिस पर भारत सरकार को शक था कि वह अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को बेच रहा है।